क्या प्लास्टिक के ढक्कन से भी वॉल हैंगिंग बन सकती है? कभी सोचा है? तो आइए इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि प्लास्टिक के ढक्कन से वॉल हैंगिंग कैसे बना सकते हैं। मैंने लिए हैं यहाँ पे 3 अलग अलग साइजेस के ढक्कन, जिनको अच्छे से मैं पेंट करने वाली हूँ। अभी तो मैं इसको एक कोटिंग कर रही हूँ, लेकिन इसके सूखने के बाद मैं दोबारा इस पर सेकेंड कोट भी करूँगी। मैंने 3 कलर से ढक्कन को पेंट कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। बॉर्डर देना सबसे ज़रूरी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ और डिटेल्स लाइक स्टेम एंड लीव्स, ताकि इसका एक अच्छा सा लुक आ सके। ये ग्रीन वाला ढक्कन एक्चुअली थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने इसमें डिसाइड किया कि मैं एक बाइसाइकिल बनाऊंगी। उस बाइसाइकिल के पीछे मैं एक बास्केट बनाऊंगी जिसमें कुछ फ्लावर्स होंगे, और उसके बाद फ्रंट पे मैं इसमें टेक्स्ट लिखूंगी। तो बाइसाइकिल मेरी बन चुकी है। ये मैंने थोड़ी सी घास लगा दी, इसके ऊपर मैं ग्लिटर लगाऊँगी बाद में, और यहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट ऐड कर दिया। इसको भी मैंने बॉर्डर दे दिया है रेड कलर से, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें मैंने सोचा है कि मैं एक क्लाउड और उसमें रेनबो बनाऊंगी काफ़ी सारे कलर्स यूज़ करके। लेट्स सी कैसे लगता है। रेनबो इज़ रेडी। इसमें मैं टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ म्यूज़िक। इसको भी मैंने ऑरेंज कलर का बॉर्डर दे दिया है। अब इन्हें कनेक्ट करना है। यहाँ होल से मैंने थ्रेड लगाया और इधर से कनेक्ट कर दिया, इनको अच्छे से नॉट बांध दिया। सेम मैं दूसरी साइड भी कर लूँगी, अच्छे से नॉट बांध लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ टेजल्स और इसे ब्यूटीफुल बनाने के लिए। एंड इट्स रेडी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।